अब माता रानी के आशीर्वाद से सुहागन चुड़ैल में चुड़ैल का तो विनाश हो चुका है, और इसी मौके का फायदा उठाकर भैया लिखने वाले ने भी दिया और मोक्ष के हिस्से में ना थोड़ा सा रोमांस लिख दिया, नहीं तो अभी तक तो बस चुड़ैल से जूझने के तरीके ही ढूंढे जा रहे थे। पर दिया को वार बहुत ही भारी पड़ने वाला है। आज देखिए ये चुड़ैल बेबस है, लाचार है, क्योंकि उसकी शक्तियां अब काम नहीं कर रही है। अब निशिगंधा के आसपास माता रानी की मूर्तियां हैं, जिसके चलते उसकी काली शक्तियां काम नहीं कर रही है, तो इसका फायदा अब दिया ने उठाया है। दिया ने निशिगंधा चुड़ैल को कैद कर दिया है और खुद देखिए यहाँ पर मोक्ष के साथ रोमांस कर रही है। अब मोक्ष भी चुड़ैल के बस में है नहीं, अब वो खुद से सोच सकता है, समझ सकता है, इसीलिए तो दिया के प्यार को समझ गया है और यहाँ पर आज खुलकर अपने प्यार का इजहार कर रहा है। क्या नजारा है ना, एक तरफ ये चुड़ैल तड़प रही है तो दूसरी तरफ दिया को उसका प्यार मिल रहा है। ये दोनों ने इस प्यार के लिए बरसों तक इंतजार किया है, लेकिन इस लंबे इंतजार का फल दिया को मिला, चुड़ैल को नहीं। बिकॉज निशिगंधा ऐसा चुड़ैल तो पवित्र जगहों पे वो बहुत वीक पड़ जाती है, और दिया ने वही ट्रिक यूज़ की उसके लिए, दैट शी एंडेड अप क्रिएटिंग माता की सारी मूर्तियाँ उसने निशिगंधा के आसपास रख दी ताकि उसकी शक्तियाँ कम हो जाए, ताकि वो उस पर वार ना कर पाए। सो दैट वॉज द होल सीन कि जितनी भी पॉजिटिव और पवित्र जगहों पे अब निशिगंधा फंस गई है तो उसका शरीर जल रहा है पूरा का पूरा, एंड शी इज नॉट एबल टू यूज हर श्रृंगार, वो कोई भी शक्ति भी इस्तेमाल। अब मोक्ष और दिया को ये जरूर लगेगा कि चुड़ैल का विनाश हो गया है, लेकिन हम जानते हैं कि कहानी में वजन लाने के लिए ये चुड़ैल को वापस लाया जाएगा, फिर वो भले ही किसी और तरीके से आए, लेकिन वो आएगी जरूर अपना अधूरा श्रृंगार पूरा करने के लिए। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।